चैनल, तो जो मेरे आर्ट मटेरियल्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए। सो यस, आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं, तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मैं अपनी कुछ आर्ट मटेरियल्स इस बॉक्स में रखती हूँ। ये बॉक्स मुझे ऐसे ही रैंडमली मिल गया था तो मैंने इसी में रख लिया, बट अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसको थोड़ा ढंग का बनाया जाए, क्योंकि ये देखने में तो काफ़ी गंदा लग रहा है। सबसे पहले ना मैं इसमें से अपने सारे सामान निकाल लूँगी, फटाफट से अपने सारे सामान को निकाल देते हैं, फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। एंड ये देखो कितना गंदा लग रहा है ये, और अब हम इसको ठीक करने वाले हैं और इसमें से ये सारे बॉक्स भी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसको वाइट पेपर से कवर कर लेंगे, या आप चाहो पेंट वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन आई थिंक कवर करना वाइट पेपर से कवर करने में ज़्यादा सही लगेगा। ये है मेरे पास ग्रीन डी का खाली डब्बा, और इसको भी हम वाइट पेपर से कवर कर देंगे। अब हम लेंगे अपना ये मेन डब्बा, और इसमें हम जो ग्रीन टी के डिब्बे को हमने वाइट पेपर से कवर किया था वो सब लगा देंगे। इसको लगाने के बाद ये हो गया है तीन पार्ट में डिवाइड, जिसमें हम अपने सामान को आसानी से रख सकते हैं। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करूँ वॉशी टेप्स, और ये वॉशी टेप्स मैंने ना अपने आप बनाए हैं, तो इसकी वीडियो भी यूट्यूब पर है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ओके, तो फटाफट से सेलेक्ट कर लेते हैं हमको कौन कौन से वॉशी टेप्स चाहिए, और अब इन वॉशी टेप्स को बॉक्स में लगाना स्टार्ट करते हैं। तीन वॉशी टेप्स लगाने के बाद मैं इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूज हूँ कौन सा लगाऊँ, आई थिंक ये वाला सही रहेगा, तो चलो इसको भी जल्दी से फटाफट से लगाते हैं। तो ये देखो हमारा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है, एंड ये काफ़ी क्लीन लग रहा है, और अब चलो इसमें हम अपने सारे आर्ट मटेरियल्स रखते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए रेडी हो जाओ, और जहाँ जहाँ देखो मैंने निशान लगाए हैं वहाँ वहाँ से हमको कट कर देना है। एक्चुअली हम बना रहे हैं बस ऑर्गेनाइजर, बस के जैसा बनाने के लिए हमको कुछ इस तरह से इसको कट करना पड़ेगा। फिर आगे की साइड से एक कार्डबोर्ड लगा देंगे। अब मैं इसको मार्क कर ले रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे इसको कट करना है, तो बस की खिड़कियाँ वगैरह मैं बना रही हूँ, और ऊपर के साइड चार पार्ट में इसको हमको कट करना है। पेपर लगा रही हूँ जिससे इसको पेंट करना काफ़ी आसान हो जाए। फेविकोल में मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है, बस इसी की हेल्प से हम न्यूज़पेपर को पूरे बॉक्स पे चिपकाते जाएंगे। तो काफ़ी मेहनत के बाद मैंने इस बॉक्स को न्यूज़पेपर से पूरा कवर कर दिया है। सबसे पहले मैं जैसो का एक कोड लगाऊंगी, एंड अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पर वाइट एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो। मैंने सोचा है मैं इस बस को ग्रीन एंड ब्लू में कलर करूं, तो पहले हम ग्रीन से कुछ इस तरह से कलर कर देंगे, देन ऊपर के साइड में ब्लू कलर से कलर कर दे रही हूं। ये जो हमने कार्डबोर्ड पहले कट किया था उसी को अब हम यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसके ऊपर वाले लेयर को निकाल देंगे, देन इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। एंड इसका यूज़ हम अपनी बस में ये खिड़की पे लाइक बॉर्डर बनाने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे ग्लू लगाएंगे, देन उसके बाद कार्डबोर्ड को इसके ऊपर लगा देंगे।
मैंने कार्डबोर्ड के चार व्हील्स कट कर लिए हैं और अब हम इसको इस बस में लगा देंगे। और बस इतना करने के बाद हमारी ये बस रेडी हो चुकी है और अब आप इसमें अपने पेन ब्रश वगैरह रख सकते हो। सो नेक्स्ट मैं ब्रश एंड पेन होल्डर बनाने वाली हूँ। तो ये मेरे पास एक जार था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पेंट कर दिया जाए, थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जाए। सबसे पहले मैं येलो कलर से इस पे फ्लावर बना दे रही हूँ। पूरे जार पे मैं ये छोटे छोटे फ्लावर बना दूँगी। देन उसके बाद मैं अपने स्पार्कल्स को लूँगी और ब्लू कलर का स्पार्कल लिया है इस पे डॉट डॉट रखने के लिए। इतना पेंट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इस पे रिबन लगा दिया जाए, तो इसके ऊपर के साइड में रिबन को लगाऊंगी और आगे के साइड इस रिबन की हेल्प से मैं एक बो बना दूँगी। ये बो बनाने के बाद मेरे पास ये छोटा सा बो था तो मैंने सोचा चलो इसको भी लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। तो इस पे मैं ग्लू लगा दे रही हूँ, देन इसके ऊपर मैं इसको स्टिक कर दूँगी। तो बस इतना करने के बाद हमारा ये जार एकदम रेडी हो चुका है। तो अब आप इसमें अपने ब्रश पेन वगैरह रख सकते हो। मैं इसमें अपने सारे ब्रशेस को रखूँगी। तो आपको ये सारे ऑर्गेनाइजर्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।